डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग ट्वेल्थ क्लास में मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जो एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 7.5 को सॉल्यूशन कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए 7.5 में हम लोगों ने एक्सरसाइज क्वेश्चन में बात किया जाए तो 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप देख पा रहे होंगे क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन है 5x का इंटीग्रेशन करना है अपॉन x प्लस 1, राइट। फिर है x स्क्वायर माइनस 4 इंटू में dx। दोस्त, ये हम लोगों का इंटीग्रेशन करना है। ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, और इसे ही हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। दोस्त, यहाँ पर इंटीग्रेशन है, फिर हम लोग 5x देंगे डिवाइडेड बाई x प्लस 1, और इसको हम लोग x स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू में dx, नहीं x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कर सकते हैं 4 को। और आप फार्मूला पढ़े होंगे ना, पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। 5x बाई x प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब x प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स, राइट। ये हम लोग इसको तोड़ दिए 3 पार्ट में गुणनखंड में। अब यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे जरा देख लीजिए। तो 5x बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, इसको हम लोग कितने पार्ट में तोड़ेंगे, तो 3 पार्ट में, है ना। एक हो जाएगा a बट्टा एक्स प्लस 1, b बट्टा एक्स प्लस 2 और c बट्टा एक्स माइनस 2, ठीक है। इसको 3 पार्ट में अगर हम लोग डिवाइड करेंगे a बट्टा b बट्टा और c बट्टा, तो अगर हम लोग दोनों तरफ का बात करें तो इधर हो गया 5x बाय x प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे तीनों को एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या होगा, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, ठीक है। तीनों को हम एलसीएम ले लेंगे तो एक्स प्लस 1 से तो एक्स प्लस 1 कटेगा, ए का गुना में क्या आएगा एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, बी का गुना में क्या होगा, तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कटेगा, तो x प्लस 1 और x माइनस 2, x प्लस 1 और x माइनस 2, फिर क्या होगा c, c के बाद x माइनस 2 से x माइनस 2 कटेगा तो क्या बचेगा, x प्लस 1 और x प्लस 2, और नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। अब करिएगा क्या सिंपल, 5x इज इक्वल टू a को गुना कर दीजिएगा इसको और इसको, यानी कि x स्क्वायर माइनस 4 होगा ना, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस b, और ब्रैकेट में क्या होगा, तो x प्लस 1 और x माइनस 2 को गुना कर दीजिए तो बनेगा क्या, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ठीक है। उसी तरीके से c है और इसको गुणा कीजिएगा तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। अब करना क्या है, 5x है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दीजिए हम लोग 5x इज इक्वल टू, 5x इज इक्वल टू यहाँ पे a से अगर गुणा करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4a, ठीक है। और फिर b से गुना करेंगे तो क्या होगा, bx स्क्वायर माइनस bx स्क्वायर माइनस bx माइनस 2b, ठीक है।
और c के साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री सी एक्स, सॉरी सी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री सी एक्स, ठीक है। और c को 2 से मल्टीपल करेंगे क्या बनेगा, 2c। अब इस दोनों साइड में देखिए, तो इधर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो इधर नहीं है, तो इधर नहीं है तो जीरो इज इक्वल टू, इधर एक्स स्क्वायर वाला a है, इधर b है और इधर c है, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जीरो, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इधर x का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर वाला तो क्लियर हो गया, x वाला इधर 5 है तो 5 कर लीजिए, इधर x वाला कौन कौन सा है, तो x वाला इधर माइनस बी है तो यहाँ माइनस बी कर लीजिए, x वाला इधर 3c है तो यहाँ 3c कर लीजिए, और तो कोई x वाला है नहीं, राइट। तो ये हम लोगों का इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इधर देखिए, तो कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट नहीं है जीरो, और इधर कांस्टेंट कौन कौन सा है, यानी कि बिना एक्स वाला कौन सा है, तो माइनस 4a, फिर माइनस 2b, फिर प्लस 2c। आपको क्या करना है, खुद से इन तीनों समीकरणों को सॉल्व करके, ध्यान रहे नंबर 1 इक्वेशन, नंबर 2 इक्वेशन, नंबर 3 इक्वेशन, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके a का, b का और c का मान निकालना है, समझ में आ रहा है। और जब a, b, c तीनों का मान अगर दोस्तों निकल जाता है, उसके बाद क्या करना, यहाँ पे पुट कर देना है, जैसे ये वाला लिखेगा ना इंटीग्रेशन, a बटा a का मान जितना आएगा उसको फिर इंटीग्रेशन से बाहर कर दीजिएगा, 1/x का ये चला जाएगा लॉग में, लॉग x प्लस 1, ठीक है। यहाँ b को बाहर कर दीजिएगा, फिर नीचे जो x प्लस 2 है ये x प्लस 2 लॉग में चला जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोगों को a, b और c का वैल्यू अगर निकालना है तो हम लोग करेंगे क्या, उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे और लॉग में सबको डाल देंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ के आगे आपको खुद से ट्राई करना है कि आप a, b और c का वैल्यू कैसे निकाल पा रहे हैं। तो इस तरीके से 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए अगर आप देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यानी कि अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 12 नंबर, कि हमको इंटीग्रेशन करना है एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन ना थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ऊपर में पावर हम लोगों को ज्यादा है और नीचे पावर कम है, यानी कि ऊपर जो है त्रिघात समीकरण है और नीचे जो है द्विघात है, यानी कि ऊपर वाला ज्यादा है पावर और नीचे वाला कम है, लेकिन हम लोग तोड़ते कहाँ हैं, जहाँ पे नीचे पावर ज्यादा रहेगा। देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स को गुना कर लीजिए, नीचे आएगा एक्स के पावर 3 और ऊपर है 1, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में तोड़ लेते हैं। लेकिन कहीं अगर ऊपर वाला सिचुएशन हम लोगों को ज्यादा रहा और नीचे वाला कम रहा, तब हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो है एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 1 को इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। कितना से डिवाइड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। तो इसको x से मल्टीपल करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स एक्स क्यू और माइनस कितना x, और इसका साइन चेंज करेंगे तो साइन चेंज करेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, x और x मिलके हो गया 2x प्लस 1। तो अब हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी कि यहाँ हियर एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 1 बराबर इसका वैल्यू क्या होगा, तो भाजक गुणे भागफल यानी कि x गुना में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में 2x प्लस 1, ठीक है। ये तो हम लोग लिख सकते हैं। चलो अब इसको इसके जगह पे हम लोग पुट करेंगे इतना सारा चीज, ठीक है। यानी कि अगेन हम क्वेश्चन में लगाएंगे क्या, एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
इस जगह पे पुट क्या करेंगे, तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एक्स प्लस वन और डिवाइडेड एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू में dx। अब देख लो यहाँ जो प्लस है ना, ये जो प्लस है इसको हम लोग अलग अलग तोड़ सकते हैं, ऐसा रूल तो हम लोगों ने सीखा है ना भाई, कि इसको हम लोग अलग अलग क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग और आगे चले तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या लिख सकते हैं भाई, अलग अलग तोड़ेंगे तो x x स्क्वायर माइनस वन बटा x स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, और फिर प्लस, फिर क्या है, 2x प्लस वन बटा x स्क्वायर माइनस वन और पूरा का dx। अब ये से तो ये कट जा रहा है, तो बच क्या रहा है, x dx प्लस यहां पे बच रहा है 2x प्लस वन x स्क्वायर माइनस वन इंटू dx। अब दोस्त इसको आप मान लो i1, राइट, और इसको आप मान लो i2, करेक्ट। अब हम लोगों को ये ज्यादा लंबा नहीं हो इसलिए आप पहले i1 सॉल्व करो, तो i1 है x dx और x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब आप i2 पे आइए, तो i2 क्या है, 2x प्लस वन अपॉन अपॉन x स्क्वायर माइनस वन इंटू में dx। भाई इसी क्वेश्चन को हम लोग 2x प्लस वन लिखें और बटा x स्क्वायर माइनस वन है, इसको x स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। ऐसा करने से ये हम लोगों को दो टर्म्स में आया, कौन कौन से टर्म्स में आया, तो 2x प्लस वन x प्लस वन और x माइनस वन, ये हम लोगों को दो टर्म्स में आया, ठीक है, इंटू में dx, क्लियर। अब अगर ऐसा सिचुएशंस रहते हैं तो हम लोग क्या पुट करते हैं, जरा देख लीजिए, तो 2x प्लस वन बट्टा में x प्लस वन बट्टा में x माइनस वन, क्योंकि ऊपर का पावर कम है और नीचे वाला पावर ज्यादा है, तो इसको हम लोग अब दो पार्ट में तोड़ लीजिए, a बाई x प्लस वन और प्लस b बाई x माइनस वन, क्लियर। अब यहां से आपको वैसा ही आपको करना है, a एंड b का वैल्यू निकाल कर और यहां से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, और जब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा i2 का, तो i1 और i2 को एक साथ करके और हम लोग आंसर को मैच कर लेंगे। तो दोस्तों ये दोनों ही क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना चाहिए और आपको बनाकर जरूर हमें सेंड करने चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या करना, बस i2 को सॉल्व करना है, a और b का वैल्यू निकालना है, फिर इसके जगह पे दो टर्म में तोड़िएगा तो a को बाहर निकाल कर लॉग में और b को बाहर निकाल कर लॉग में आंसर आ जाएगा और दोनों को एक साथ कर लीजिएगा, तो इन दोनों ही क्वेश्चन को आंसर तक लाकर आपको हमें सेंड करना है, फिर हम चेकआउट करेंगे कि कितने लोगों को कितना क्वेश्चन में क्या सही है क्या गलत है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।